नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपदा विभाग ने सभी डीएम को जारी किया निर्देश। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर संजय अग्रवाल ने दिए कई निर्देश। 8 नवंबर को नहाय खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत होगी। छठ पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया है। आपदा विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि छठ पर्व को लेकर नदी तालाबों एवं घाटों पर श्रद्धालु और छठव्रती पूरे परिवार के साथ पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए विशेष तैयारी एवं सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसी संबंध में आपदा प्रबंधन की ओर से सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने जिलों में महापर्व छठ की तैयारी बेहतर तरीके से करें, जिससे छठव्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। छठ पर्व को लेकर पूरी तैयारियां करने का निर्देश देते हुए संजय अग्रवाल ने कहा कि छठ पर्व के दौरान कोविड-19 के निर्देश का पालन करना जरूरी है। छठ पर्व के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे लेकर खास सावधानियां बरतने की जरूरत है। अत्यधिक भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण ना फैले, इसे लेकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की आवश्यकता होगी। छठ घाटों पर SDRF NDRF के साथ साथ गोताखोर मोटर बोट चालकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आपदा विभाग ने छठ घाटों के जलस्तर के मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया है। वहीं सभी घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीएम को छठ पर्व की तैयारियां शुरू करने और बेहतर व्यवस्था किए जाने की बात कही है। भारत सरकार के टीकाकरण सर्टिफिकेट को 5 देशों से मिली मान्यता, 36 देशों की यात्रा अब हुई आसान। भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को 5 और देशों ने मान्यता दी है। इससे पहले 30 देशों की यात्रा आसानी से की जा सकती थी। एस्टोनिया, फिलिस्तीन, किर्गिस्तान, मॉरिशस और मंगोलिया भी अब इसे शामिल हो गया है। अब कुल 36 ऐसे देश हो गए हैं जहां भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता दी गई है। इस बात की जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागजी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। वहीं अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। कोवैक्सीन की डोज जिस किसी ने लगा लिया है वो अब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकता है। दुनिया के 36 देशों में भारत के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मान्यता दी गई है। भारत सरकार द्वारा दिए गए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर इन देशों में जाना मुश्किल है। नीट प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित। 12 सितंबर को ली गई थी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। नीट 2021 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी रिजल्ट भेजा है। नीट के अभ्यर्थियों की रैंक लिस्ट और स्कोर कार्ड NDA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जल्द ही उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि नीट 2021 परीक्षा 12 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था। नीट के आंसर की 15 अक्टूबर को जारी किए जा चुके हैं। नीट परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थी काफी समय से रिजल्ट किए जाने के इंतजार में थे। इससे पहले कोरोना के कारण कई बार परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। नीट 2021 में करीब 16 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। लालू यादव ने पूछा सरसों तेल का भाव, बोले कृषि कानूनों का असर दिखाना बाकी है। देश में बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। विपक्षी दलों के नेता लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर ट्वीट किया है। लालू ने लिखा है कि सरसों के तेल का क्या भाव है, क्या आप इससे खुश हैं? रुकिए, 3 काले कृषि कानूनों का विपरीत प्रभाव अभी 2-4 वर्षों के बाद और अधिक समझ में आएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ लालू ने सरसों के तेल की बोतल की तस्वीर भी साथ में शेयर की है, जिसमें तेल की कीमत साफ तौर पर नजर आ रही है। बिहार के बड़े ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी, 100 करोड़ की काली कमाई का खुलासा। इनकम टैक्स ने बिहार और झारखंड में कार्यरत एक बड़े सड़क निर्माण ठेकेदार के खिलाफ छापेमारी की है। इनकम टैक्स की इस रेड में ठेकेदार के पास लगभग 100 करोड़ रुपए की काली कमाई का खुलासा हुआ है। खुद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने यह जानकारी दी है कि रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। CBDT ने एक बयान में कहा है कि 5.71 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है और 10 बैंक लॉकरों
घरों पर रोक लगा दी गई है। 27 अक्टूबर को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में छापेमारी की गई थी। सीबीडीटी कर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। छापेमारी से पता चला है कि यह समूह सामग्री की खरीद पर खर्च बढ़ाकर अपने मुनाफे को कम करके दिखा रहा है। सीबीडीटी ने कहा कि समूह अन्य व्यावसायिक खर्चों को भी बढ़ाकर दिखाया है। बिहार सरकार ने दो शिक्षा पदाधिकारी पर की कार्रवाई, सो कॉज नोटिस थमाया, वेतन पर भी रोक। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के शिक्षकों के सितंबर माह के जीओबी मद से सितंबर माह का वेतन भुगतान के लिए महंगाई भत्ता के साथ वेतन विवरण नहीं भेजने के मामले में दो प्रखंडों के बीईओ फंस गए हैं। डीपीओ स्थापना राजेंद्र सिंह ने इस मामले में रघुनाथपुर और महाराजगंज के बीईओ पर सो कॉज किया है। दोनों बीईओ का वेतन स्थगित कर दिया है। डीपीओ ने कहा है कि प्रखंडों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों का माह सितंबर 2021 के वेतन भुगतान एडवाइस में महंगाई भत्ता 17% की दर से ही उपलब्ध कराया गया है, जबकि माह सितंबर 2021 के वेतन भुगतान में महंगाई भत्ता 28% की दर से करना था। दोनों बीईओ से पूछा गया कि किस परिस्थिति में 28% की जगह 17% महंगाई भत्ता भुगतान एडवाइस उपलब्ध कराया गया। सेवा कर में कटौती नहीं की गई, जबकि अन्य प्रखंडों द्वारा बढ़ी हुई महंगाई भत्ता एडवाइस उपलब्ध कराई गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने पत्र प्राप्ति के साथ ही वेतन भुगतान एडवाइस में महंगाई भत्ता एडवाइस 28% की दर से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके पहले डीईओ मिथिलेश कुमार ने डीपीओ स्थापना को पत्र देकर कहा था कि दोनों प्रखंडों के कई शिक्षकों ने इस मामले को मोबाइल पर जानकारी दी थी। डीईओ ने पूछा था कि दो प्रखंडों के शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। पटना में सरकारी शिक्षिका पर गबन का आरोप, स्कूल की बिल्डिंग बनवाने में 14 लाख खाने का मामला। राजधानी पटना के धनरुआ स्थित हुलासक वीर मध्य विद्यालय की एक शिक्षिका पर सरकारी राशि गबन करने का आरोप लगा है। हुलासक वीर मध्य विद्यालय की प्रभारी शिक्षिका चंचला कुमारी पर विद्यालय भवन निर्माण की राशि गबन करने और इस काम में कर्तव्यहीनता का आरोप लगा है। इस बाबत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार ने धनरुआ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवल किशोर सिंह को तत्काल प्रभारी शिक्षिका चंचला कुमारी के विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। इस बाबत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवल किशोर सिंह ने बताया कि मामला वर्ष 2012-14 का है। उस वक्त विद्यालय भवन निर्माण के लिए प्रभारी शिक्षिका के नाम से संबंधित विभाग के द्वारा करीब 14 लाख की राशि आवंटित की गई थी। इस दौरान प्रभारी शिक्षिका ने कई अनियमितता बरती और बिना जमीन की मापी कराए भवन निर्माण का कार्य शुरू करा दिया, जिसके बाद गाँव के ही एक व्यक्ति ने उक्त जमीन पर अपना दावा करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। बिहार पुलिस महकमे में छुट्टी पर रोक, मुख्यालय को जारी किया गया यह आदेश। बिहार पुलिस महकमे में 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक किसी भी स्तर के अधिकारियों और जवानों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। बिहार में त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है। बिहार में त्योहारों को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की आवश्यकता है। लॉ एंड ऑर्डर और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस ने सभी तरह की छुट्टियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के आदेश पर एडीजी विधि व्यवस्था विनय कुमार ने छुट्टी पर रोक से संबंधित आदेश पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक दिवाली, काली पूजा और छठ महापर्व के मौके पर पुलिस बल की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में अगले 12 दिनों तक पुलिसकर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक लगाई गई है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अवकाश दिया जाएगा, लेकिन इसकी मंजूरी उच्च स्तरीय अधिकारियों से ही लेनी होगी। अवकाश के लिए जिला, रेल और अन्य इकाइयों के सीनियर पुलिस अधिकारियों से ही मंजूरी मिल सकती है। बिहार में और बढ़ेगी ठिठुरन, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के असर। बिहार में लोगों ने गुलाबी ठंड का एहसास काफी पहले लेना शुरू कर दिया है और अब आगे आने वाले दिनों में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान पहले से और नीचे गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में दिखने लगा है। दीपावली से छठ के बीच तापमान में और गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है। छठ के मौके पर बिहार के लोगों को हल्के ठंड वाले कपड़े पहनने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य भर में मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ से लगातार हवाएं बिहार के सभी हिस्से में प्रवेश कर रही हैं। इसके प्रभाव से हवाओं में ठंड के साथ नमी है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी की वजह से आने वाले दिनों में बिहार के सभी हिस्से में दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसकी वजह से शाम से सुबह तक मौसम सर्द रहेगा। धूप निकलने के साथ ही पारा चढ़ेगा।
अब नहीं लगाना पड़ेगा सरकारी दफ्तरों का चक्कर, मैरिज से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक उपलब्ध कराएंगे किन्नर, सरकारी योजनाओं का भी लाभ गरीबों को दिलाएंगे। गरीबों के मदद के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का जानकारी नहीं होने के कारण जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। जानकारी के अभाव में लोग इन योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो जाते हैं। इन्हीं परेशानियों को दूर करने की पहल औरंगाबाद में की गई है। औरंगाबाद में किन्नरों को सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब किन्नर ही मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड सहित कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। किन्नरों को यह जिम्मेवारी औरंगाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने दी है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।